आखिरकार लंबे इंतजार और गहमा गहमी के बाद भाजपा ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बायतू के पूर्व विधायक कैलाश चौधरी के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी है। भाजपा द्वारा कैलाश चौधरी को टिकट देने के बाद बालोतरा में भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने पटाखे छोड़ कैलाश चौधरी का मालाएं पहनाकर स्वागत किया। बालोतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सीमावर्ती बाड़मेर जिले के लिए टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही खासी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि कांग्रेस ने तो पहले ही कर्नल मानविंद्र सिंह के नाम की घोषणा कर दी, लेकिन परेशानी भाजपा को ज्यादा हुई। भाजपा की ओर से शनिवार दोपहर में बायतू से विधायक रह चुके कैलाश चौधरी को टिकट देने की घोषणा होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बालोतरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। साथ ही भाजपा कार्यालय में प्रत्याशी कैलाश चौधरी का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जुट जाने का आह्वान किया। सिवाना विधायक हमीर सिंह ने कैलाश चौधरी को बधाई देते हुए कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी में जुटने की बात कही। कैलाश चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए अपना उद्बोधन दिया। भाजपा कार्यालय में हुए स्वागत कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं ने कैलाश चौधरी को जुलूस के साथ उनके आवास तक पहुंचाया। भाजपा नेतृत्व की ओर से कैलाश चौधरी के नाम की घोषणा के साथ ही पिछले कई दिनों से टिकट को लेकर चल रही अटकलों पर भी विराम लग गया। बहरहाल भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे।